दिन मिला। इसमें देख अगला प्रश्न, गोपीचंद मीणा, प्रश्न संख्या 203। अध्यक्ष महोदय, खंड एक, वर्ष 2014 से 2018 तक भीलवाड़ा जिले में जिला स्तर पर आयोजित जनभाव उपयोग निराकरण समिति की बैठकों एवं उनमें दर्ज व निस्तारित प्रकरणों का विवरण क्रमशः प्रशिष्ट अ ब एवं स पर संलग्न है। प्राप्त शिकायतों का तहसीलवार विवरण प्रशिष्ट द पर संलग्न है। खंड दो, वर्ष 2014 से 2018 तक जिला स्तर पर आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई का विवरण एवं जनसुनवाइयों के दौरान प्राप्त एवं निस्तारित प्रकरणों का संख्यावार व तहसीलवार विवरण प्रशिष्ट यह पर संलग्न है। खंड तीन, जिला जन उपयोग एवं सतर्कता समिति मामले के निराकरण हेतु संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी या उसके अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश देने हेतु सक्षम है। सामान्यतः समिति द्वारा प्रकरणों के निर्णय के उपरांत अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा निर्णय की क्रियान्वति को स्थगित की जाकर पुनः जाँच के आदेश पारित नहीं किए जा सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला सतर्कता समिति निराकरण में जो दर्ज प्रकरणों में से 13 शेष प्रकरणों का निस्तारण कब तक होगा, वह समय पे निस्तारण नहीं करने वाले कार्मिकों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करना चाहती है। तीसरा प्रश्न है मेरा, जिला कलेक्टर महोदय ने उपखंड अधिकारी को निर्देश दिए थे पत्र क्रमांक 713/2/9/2020, 185 दिन होने के बाद भी उपखंड अधिकारी ने तो कोई कार्रवाई की है न जिला अधिकारी को प्रगति रिपोर्ट के बारे में बताया। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो हमारे 13 जो प्रकरण है उनके बारे में जो बात कही है, क्योंकि बीच में कोविड भी था और पंचायत चुनाव भी थे, उसकी वजह से अब बैठ के नहीं हो पाई, और अब जो बकाया प्रकरण है वो समय पर हम मीटिंगें भी कर जल्दी उसका समस्या का परिवादियों का जो भी निराकरण भी करेंगे, निस्तारण करवाएंगे, और आपके पत्र के बारे में आपने जिक्र किया है उसका हम जल्दी से दिखा करके जांच करवाएंगे। और मैं सदन को ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर से हम इस जनसुनवाई को ग्राम स्तर से अभी जनसुनवाई शुरू कर रहे हैं, और सभी जिला कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, SDO, BDO, DSP सभी को कहा है कि 3 से 4 बजे तक लगातार वो आम जन को सुनेंगे। उसके साथ साथ में हम ग्राम पंचायत स्तर पर इसकी जनसुनवाई ले जा करके क्लस्टर वाइज हम 10-10 ग्राम पंचायतों का समूह बनाएंगे और उनकी निस्तारण भी कराएंगे। इसलिए बड़े स्तर पर मुख्यमंत्री जी इस पर काम कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि पूरा सदन मिल करके जो हमारी सरकार ने वादा किया है कि आम जन को जवाबदेही, पारदर्शी और संवेदनशील शासन देने का, उसके लिए हम स्तर पर ये काम करें। आने वाले टाइम में हम उसकी लगातार जिला कलेक्टर, उपखंड स्तर और ग्राम स्तर पर मॉनिटरिंग भी होगी, और जल्दी जल्दी परिवार जीते भी उसका निस्तारण किया जाएगा। अगला प्रश्न, नारायण बेनीवाल, प्रश्न संख्या